पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर रैली रद्द होने की वजह सुरक्षा में चूक को बताया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इसकी रिपोर्ट तलब की है। गृह मंत्रालय ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि पंजाब दौरे पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक सामने आई है। उनका काफिला एक फ्लाईओवर में करीब 15 से 20 मिनट तक रुका रहा। रैली रद्द होने के बाद जब मोदी बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर तंज कसा। न्यूज के मुताबिक मोदी ने एयरपोर्ट के अधिकारियों से कहा, अपने मुख्यमंत्री को मेरा शुक्रिया कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच सका। भाजपा ने कहा कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रद्द होना कांग्रेस की साजिश है। रैली रद्द होने की वजह किसानों का विरोध और पंजाबियों में मोदी की अस्वीकार्यता है। इससे पहले बताया जा रहा है कि खराब मौसम या कोरोना की वजह से मोदी की रैली को रद्द किया गया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी वजह बताई है। उन्होंने रैली रद्द होने के कई ट्वीट किए, लिखा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार विकास विरोधी है, उसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भी कद्र नहीं। जो सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात थी वो थी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मसला। प्रदर्शनकारियों को पीएम के रूट में घुसने की इजाजत नहीं दी गई, जबकि पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी ने एसपीजी को भरोसा दिया था कि रास्ता सुरक्षित है, मसला सुलझे या इस मुद्दे पर कोई बात हो पाए। इसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने फोन तक नहीं उठाया। कांग्रेस सरकार जो तरीके इस्तेमाल कर रही है, इन्हें देखकर लोकतांत्रिक मूल्यों पर भरोसा करने वालों को दुख होगा। इस बारे में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि रात 3 बजे तक मैंने सभी सड़कें क्लियर करवाई हैं। प्रधानमंत्री ने हवाई मार्ग से आना था, फिर फिरोजपुर हवाई मार्ग से ही जाना था। उनका सड़क से जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। उन्होंने अचानक बठिंडा आकर कार्यक्रम बदल दिया कि सड़क से जाना है, बिना किसी पूर्व प्रोग्राम के यह सब हुआ है। इससे किसी भी सुरक्षा की लापरवाही नहीं देखी जा रही। दूसरा, फिरोजपुर में उन्होंने बड़ी रैली रख दी जहां 70,000 कुर्सियां लगा दी गई, लेकिन आदमी सिर्फ 700 आ पाए। ऊपर से बारिश भी हो गई, इस वजह से उनकी रैली कामयाब नहीं हो पाई।